देखिए और पूरा पानी से दोस्तों, आज मैं आप लोग को पूरा दिखाएगा हम लोग गांव में हम लोग कैसे फिशिंग किया जाता है और कौन कौन सा मछली जो है हम लोग का और नस्ल में मिलता है वो मैं पूरा आप लोग को दिखाएगा। तो वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों, वीडियो जरूर एंड तक देखिएगा। इसमें पसा के जो है घुमा के गिरा रहा है, ये निकल गया लग रहा है। ये देखिए दोस्तों, इसको हम लोग ओंगेर बोलता है। देखिए ये जड़ी बूटी, इससे फिशिंग करने में हम लोग यूज करता है। वाह, देखिए यहाँ भी गिरा हुआ है ये। ये देखिए और पूरा बारिश है। देखिए ओंगेर थोड़ा काफी तो है। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो जरूर एंड तक देखिएगा। आज मैं आप लोग को पूरा दिखाएगा कि हम लोग का अरुणाचल में कौन कौन सा कैसा कैसा मछली मिलता है वो एक एक करके मैं पूरा आप लोग को पूरा दिखाएगा। होमान ओ, देखिए ये फिशिंग करने आया है ये बाबा भी। पकड़ लोगा केचू से मर रहा है ये। ओ कंका मत रंगुए गाम पर मैं ओ हिंगो रुकवाई। देखिए ये कैट फिश छोटा वाला, ये ज़्यादा बड़ा नहीं होता है इसका।
भोजे बत्ते मारा ही क्या है मोयोप को ये मोयोप ये हाँ मोलू हिबोक हिबोक पत्ते का ใครมันเนี่ยมันเป็นกับมันเนี่ยเย่เฮียสก้าฟิสทริฟคารูโลเดมอ่ะอภิสปอร์ตเมื่ออาเกียเย่เพลเย่ทริปก็บิสัยกันเย่ดิคีฟานีบ่หูที่จ้าดักคอมฮกยาक्योंकि अभी ये 90% पानी जो है खेती में यूज़ कर रहा है, ये बहुत कम हो गया है पानी। देखिए देखिए इतना सिरिवे पानी ज़्यादा ही कम हो गया, फिर भी मछली तो मिलना चाहिए। इतना कम पानी में कितना मछली मिलता है आप लोग को दिखाएगा बाद में। ये देखिए पानी पूरा सूख गया, आगे से डाइवर्ट किया है पानी को। चलिए आप लोग को दिखाते हैं, ये देखिए ऐसा बना के रखा है ये, बस इसको कूल दो बस ये साइड का पानी सूख गया। देखिए अभी पानी सूख गया, देखते हैं आज कितना मछली मिलता है। चलिए देखिए मछली, ये ज़्यादातर मसीर और ट्रोट होगा, ये हिट्टा और होइंग होगा। ये देखो ये ऐसा बना के रखा है, उस साइड बोन किया है ताकि मछली यहाँ से ऊपर नहीं जा सकना है। जितना सियांग रिवर से मछली आता है यही में तैर जाता है। ये देखिए de long leg. Buena, buena, buena. Buena, you talk. Oh. Mira, la bandera. Mira, mira, mira. Mira, otra. Palo. De otro hiyo ondu. Hola. Mira. ओ हो क्या हो क्या बोलो हो क्या बोलो
देखिए सब मसीर, पूरा मसीर है। ओ और ये एक और है। देखिए मोली को पे हाँ मसीर देखिए ये एक जगह से मिला, ये एक केजी से ज्यादा हो गया। देखिए पूरा मसीर है। तो इसका फिनिश हो गया शायद, बाद में जब ये पानी साफ होगा तब एक बार दिखने आएगा। आगे में और एक ऐसा पुकुरी है, चलिए देखते हैं आगे। ये देखिए मोती, अरे अरे यो रू रही देना 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 होय होय देवा 2 केजी का पर करो। अरे मुखिया वो चाय मुखी हिटर रागे भी नो करम देलो तो पर जहाँ भी है मछली। देखिए মাছ পাবলে বহুত দিগদাৰি আছে, এইটো বহুত চেষ্টা নকৰিলে নাপায়। এইটো আচল মাছ, আমাৰ অৰুণাচলৰ মাছ এইটোৱে। আমার অরুণাচল অনেক
मस्त कोट कोट गई से मस्त वे देखे हिले 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 पूरा मुख पड़ी बोला दी से ए मस्त इनको मोड़ी ये अंगोली है ना ओ हिमाय दो पॉइंट है देखिए ये 3 kg ऐसा होगा अभी इतना मिल चुका है अभी आगे में ट्रेप में कितना आया है देखते हैं और भी मिल रहा ये ट्रिप में भी आया है देखिए काफी आया युम्बू गो हिमाय अंगवाई रे गोपाई हिंदी में ये देखिए ये अलग अलग मछली मिला इसको हम लोग पगडोंग बोलते हैं पगडोंग देखिए देखिए इतना मिला है पूरा ज्यादातर मसीर है एक तरह है देखिए ये सब ये मसीर है चॉकलेट मसीर ये इसको मोरू बोलते हैं हम लोग ये पगडोंग और ये भी एकदम ये छोटा है देखने में लेकिन बहुत टेस्टी मछली है गोपी इसको हम लोग गोपी बोलते हैं एंड ये है ये गोरेंग इसको गोरेंग बोलते हैं और इसको बेओप बोलते हैं देखिए अलग अलग प्रकार का मछली है ये गोइंग ट्रॉट फिश और ये भी गोपी है लेकिन इसका कलर अलग है देखिए तरह माता लाल करके और ये है ये गोपी हिंग और ये गोरी गोरी ओ दारा ये भी है देखिए टाइगर फिश हम लोग दारा बोलते हैं से पक रहा है देखिए मछली और युम्बुंग गोपू ये सब है देखिए और आज का लंच ये भाई बना रहा है मिर्चा लेकिन ज्यादा होगा लगता है मिर्चा ज्यादा अले कम मुड़ी मिले मत देख मत कम
आदिनी बर्तेस को मतकान मेरा बहुत जस्ती आस का जस्ती है ना बढ़िया एकदम ये देखिए ये तकांग और मछली और तकांग का साथ देखिए हम लोग ऐसे ही खाता है ये एकदम सब ऑर्गेनिक है प्योर ओंगेरे मछली तकांग क्या किसी का मिला करके हम लोग खाता है ना देखिए बाबा लोग एंड भाई भी है और ये मामा जी भी कर रहा है ये एकदम वेरी टेस्टी अभी हम लोग खाना उना पूरा खा लिया है पानी कम होने का कारण जो है ज़्यादा मछली नहीं मिल पाया तो हम लोग का यहाँ टाइम टाइम में जो है ऐसे हम लोग फिशिंग करता है हिबोक बोलता है तो यहाँ अपना अपना एक एरिया होता है तो ऐसे जगह में टाइम टाइम में हम लोग ऐसे ही फिशिंग करता है तो आज भी काफ़ी एंजॉय किया है बढ़िया लगा है तो दोस्तों आज का वीडियो इतना तक है जल्द मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।